आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलमंड फिग केक की रेसिपी। ये एक ड्राई केक है जिसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये केक बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ना तो हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही व्हाइट शुगर का। और आज इस केक को हम बिना ओवन के बनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आलमंड फिग केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 से 8 ये ड्राई फिग। इनको मैंने पानी से एक बार बहुत अच्छे से धो लिया है और अब एक नाइफ की हेल्प से मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। इनके हमने छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं, तो ये मैंने इनको चॉप कर लिया है। अब मैं 1/4 कटोरी पानी में इनको डालकर 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप बादाम ले रही हूँ और इनको एक ग्राइंडर जार में डालकर इनका एक हम पाउडर बना लेंगे। तो हमारा बादाम का जो पाउडर है वो तैयार हो गया है, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लॉफ पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी और फिर एक पार्चमेंट पेपर से मैं इसको लाइन कर दूंगी। पार्चमेंट पेपर लगाने से जो हमारा केक है बनने के बाद बहुत इजीली केक टिन से बाहर निकल आता है। तो हमारा ये केक टिन रेडी हो गया है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर एक ट्रे उसके ऊपर मैंने रख दी है। अब ढक्कन लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पर प्रीहीट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1/2 कटोरी फ्रेश दही लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है 3/4 कप के अराउंड यहाँ पे खांड शुगर ऐड की है मैंने। यहाँ पे मैंने व्हाइट शुगर ऐड नहीं की, ये खांड शुगर है। और इनको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के लगभग आलमंड एसेंस यूज करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम एक बॉल पर छलनी रखेंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 कप आटा, ये गेहूं का आटा है जो हम चपाती बनाने के लिए यूज करते हैं, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हम यहाँ पर बेकिंग सोडा लेंगे। और अब इनको अच्छे से एक बार छान लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा बादाम का पाउडर जो हमने पीस कर रखा था, वो ऐड कर लेंगे और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे धीरे धीरे जेंटली मिक्स करना है। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप मेल्टेड बटर। आप यहाँ बटर की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल वो ही लें जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। अब इसको एक बार अच्छे से फिर मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में हम ऐड करेंगे जो हमारे सोक किए हुए फिग्स थे, उनको हम ऐड कर रहे हैं। और एक स्पैचुला की हेल्प से अब हम इनको जेंटली मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक बैटर रेडी है। ये थोड़ा थिक है और यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इस केक को बनाने के लिए। तो अब हम बैटर को अपने तैयार किए हुए केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। तीन चार बार इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। और अब हम इस केक टिन को हमारी प्री हीट करी हुई कढ़ाई में रख देते हैं बेक, और ढक्कन लगाकर हम इसको बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग के 5 मिनट आप गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और उसके बाद उसको बिल्कुल स्लो कर दें। तो मैंने इसको 40 मिनट तक बेक किया है स्लो फ्लेम पर। तो अब हम केक को चेक कर लेते हैं। एक नाइफ डालकर हम केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक
तो देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक है जो अच्छे से बेक हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं और इसको 5 से 10 मिनट के लिए केक टिन में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम केक को एक वायर रैक पर ट्रांसफर कर देंगे और उसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो केक अब हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। मैं एक स्लाइस आपको दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि केक कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है ये केक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये केक की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखेंगे। अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।